दो महीने बाद मानसून आने को है। शहर में जलभराव की स्थिति पैदा ना हो उसको लेकर नगर निगम द्वारा शहर के सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई का कार्य किया जा रहा है। शहर भर में मशीनों द्वारा और गैंग लगाकर शहर के छोटे बड़े नालों की साफ सफाई की जा रही है, जिसकी जानकारी अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह ने दी। मानसून शुरू होते ही शहर में जलभराव की स्थिति पैदा हो जाती है। शहर में जलभराव की स्थिति पैदा ना हो जिसको लेकर हर वर्ष 1 अप्रैल से लेकर 20 जून तक शहर के सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई नगर निगम विभाग द्वारा की जाती है। इस वर्ष भी शहर के लगभग 400 से ऊपर सभी छोटे बड़े नालों की साफ सफाई का कार्य बड़ी तेजी से किया जा रहा है। आपको बता दें कि नगर निगम द्वारा शहर भर में जेसीबी मशीनों द्वारा और नाले के लिए गैंग लगाकर इस कार्य को अमली जामा पहनाया जा रहा है, जिससे कि शहर में बारिश के दौरान जलभराव की स्थिति पैदा ना हो सके। नगर निगम द्वारा लगाई गई जेसीबी और गैंग को लेकर अपर नगर आयुक्त सुरेंद्र सिंह यादव ने बताया कि ये कार्य 1 अप्रैल से 20 जून तक किया जाएगा, जिसमें नाइट शिफ्ट में कार्य करने वाले सफाई मित्रों को नाला गैंग के रूप में कार्य किया जा रहा है और आने वाले 20 जून तक शहर के सभी नालों की साफ सफाई कली झाड़ी की जाएगी। साथ ही उन्होंने बताया कि नाले से निकलने वाली शील्ड का भी निस्तारण किया जा रहा है। हाईवा लगाकर जगह जगह निकलने वाली शील्ड को भी 24 घंटे के अंदर क्षेत्र से हटाकर डंपिंग स्टेशन भेजा जा रहा है। सर, बहुत ही जल्द 2 महीने बाद ही मानसून आने वाला है, तो नालों की सफाई को लेकर किस तरीके का अभियान इस समय निगम द्वारा चल रहा है? देखिए, प्रत्येक वर्ष 1 अप्रैल से लेकर के 15 जून तक नगर निगम अंतर्गत जितने भी नाले हैं, छोटे बड़े और मझोले, उनकी सफाई का काम अभियान चलाया जाता है। उसी के क्रम में इस वर्ष भी हम लोगों ने सर्वप्रथम नगर के सभी नालों का आंकड़ा एकत्रित किया। इसमें जो 150 लोगों से जो हमें सूचना प्राप्त हुई, उसके तहत कुल शहर में बड़े मझोले और छोटे मिलाकर कुल 428 नाले हैं और जिनकी टोटल लंबाई 322,900 मीटर है। और इसके लिए हम लोगों ने एक माइक्रो प्लान बनाया है वार्ड लेवल पे, और कुल 26 हमारी चैन मशीन्स हैं। इसके अतिरिक्त ट्रैक्टर्स लगे हुए हैं सिल्ट उठाने के लिए, और हम लोग ये कोशिश कर रहे हैं कि उसी दिन सिल्ट उठ जाए। अगर यदि उस दिन नहीं उठ पा रही है तो 24 घंटे के अंदर प्रत्येक दशा में हम लोग सिल्ट का उठान सुनिश्चित कर रहे हैं। इसके लिए प्रत्येक जेडएसओ को 5-5 ट्रैक्टर और 2-2 लोडर दिया है। हाँ, गैंग प्रत्येक सफाई को हम लोगों ने गैंग दिया है, नाला गैंग। ये इनको जो भी सेफ्टी किट्स है वो हम लोगों ने प्रोवाइड कराए हैं, जो भी इसके मानक होते हैं सफाई के, उसके अनुसार हम लोगों ने इनको सेफ्टी किट दिया है। और ये प्रत्येक सफाई द्वारा गैंग के माध्यम से जो छोटी नालियाँ हैं उनकी सफाई, गैंग हम लोगों ने कोई अतिरिक्त भर्ती इसके लिए नहीं किया है, हमारे जो ऑलरेडी नाला गैंग है उन्हें। हर वर्ष की भांति इस वर्ष भी शहर के नालों की साफ सफाई की जा रही है, लेकिन अगर बात की जाए जलभराव की स्थिति ज्यों की त्यों बनी रहती है। अब देखना होगा कि नगर निगम द्वारा लगाई जा रही सफाई व्यवस्था नगर निगम को बारिश के दौरान कितनी सफलता हासिल होती है, या फिर स्थिति वहीं ढक के 3 पात की तरह बनी रहेगी। प्रातः दर्पण न्यूज के लिए आगरा से चंदन सिंह की रिपोर्ट।